हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट दैट इज द यूनिट टू इन योर सिलेबस एंड यूनिट टू इज द बायो मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स विच आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सभी मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके पार्ट होते हैं हर चीज़ के उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बायो मोलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा भी है टेन प्लस वन में एक यूनिट होती थी केमिस्ट्री में भी बायो मोलिकूल्स और जो बायो पढ़ते हैं उनके तो फर्दर आते भी हैं क्लासीफिकेशन में आपने पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट बायो मोलिक्यूल्स हैं लिपिड्स जितने भी फैट्स होते हैं वो सब लिपिड्स होते हैं सो दीज आर दी मॉलिक्यूल्स एज वेल एज दी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर दिट्यूशन ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ईच एंड एवरी वो आपका बायो मोलिक्यूल से ही बनी होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी ऑर्गन की भी दर्गेनिजम आर कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं बट ऑर्गन सिस्टम भी कंपोनेंट वाइज अगर हम बात करें तो किसी ना किसी मैटर के ही बने हैं और सभी मैटर या सभी एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उन सभी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सो वेरी फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद दी कार्बोहाइड्रेट्स सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं दैट्स वाई इनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है ठीक है सी एच और ओ कार्बन हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन ये जो तीन एलिमेंट होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे चीफ एलिमेंट है ये इनके अलावा बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जो कि प्लांट्स के लिए या ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट दीज थ्री आर दी मोस्ट एसेंशियल एंड अमोंग दीज द कार्बन इज द मोस्ट एसेंशियल इन तीनों में भी कार्बन सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है हर चीज़ का जो जो भी चीज़ से किसी भी मैटर से हम बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका कॉन्सेंटेंट कार्बन ज़रूर है चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे वो आपके लिपिड्स हो इवन आपका डीएनए आरएनए भी हो डीएनए आरएनए भी किसी न किसी मैटर के या किसी न किसी एलिमेंट के बने होते हैं तो उन सब एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हीं को हम बायो मोलिक्यूल्स बोल रहे हैं सो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं जनरल फॉर्मूला होता है आपका सी एन एच टू एन एंड ओ एन वन रेशो टू रेशो वन इस रेशो में प्रेजेंट होते हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर एग्जाम्पल एक जनरल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोनोसेकराइड्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर उनका एक एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज ऑल ऑफ यू मस्ट हर्ड अबाउट दी ग्लूकोज ग्लूकोज हमने सुना होगा फार्मूला भी पता होगा सी सिक्स एच टूएल्व एंड दो सिक्स सो वन रेशो टू रेशो वन इस रेशो में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट और फार्मूला है सी एन एच टू एन और ओ एन जनरल फार्मूला ये होता है ऑल दो देर आर सम्पशन बट दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर दी कार्बोहाइड्रेट्स सो दी आर दर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग दी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नेक्स्ट थिंग इज दी कार्बोहाइड्रेट्स हैव द टर्मिनल ग्रुप्स बहुत सारे टर्मिनल ग्रुप हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर फॉर एग्जाम्पल सिक्स कार्बन है किसी कार्बोहाइड्रेट में ठीक है तो टू एंड ट्वेल्व हाइड्रोजन हो जाएंगे सिक्स ही ऑक्सीजन होंगे तो जो इनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगी उनके टर्मिनल पोजिशन पे या तो मैक्सिमम आपका एलडोज ग्रुप होता है एल डी हाइड ग्रुप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एल डी हाइड ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एच ओ से ठीक है या कीटोज ग्रुप होते हैं कीटोन ग्रुप कीटोन ग्रुप क्या होता है सी डबल बॉन्ड हो तो टर्मिनल पोजिशन पे सबसे जो एल डी हाइड है वो तो वेरी टर्मिनल पोजिशन पे होते हैं फर्स्ट पोजिशन पे कीटोन जो होते हैं वो एक पोजीशन शिफ्ट होते हैं ये सेकंड पोजीशन पे होते हैं जितने भी कीटोन कार्बोहाइड्रेट हैं उनका कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे होता है जितने भी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं एल्डोज कार्बोहाइड्रेट हैं उनका एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजिशन ऑफ कार्बन पर होता है ये उसका पहला कार्बन होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे सो इट इज फ्रॉम फ्राम वर्ड हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स uh, बोलते हैं क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स टोटल थ्री टाइप्स के होते हैं स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द मोनोसेकेराइड सेकंड इज द ओलिगोसेकरइड्स एंड थर्ड वन इज द पॉलीसेकेराइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट से कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तीन तरह के होते हैं वन इज द मोनोसेकेराइड अनदर वन इज द ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज द पॉलीसेकेराइड वेरी फर्स्टली मोनोसेक्राइड की बात करते हैं तो क्योंकि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जितनी सिंपल स्ट्रक्चर होगी उतना ही लोअर होगा तो मोनोसेक्राइड में क्या होता है सबसे सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता ठीक है अगर सपोज ये कोई यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की तो दिस सिंगल यूनिट इज मोनोसेक्राइड तो जिसमें केवल एक मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है उस कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेक्राइड्स बोलेंगे ठीक है इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अगर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे इस मॉलिक्यूल का सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू द एलिमेंटल फॉर्म दैट इज द कार्बन हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन सो दिज आर द एलिमेंट्स नॉट द मॉलिक्यूल्स सो दिस इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज और फर्दर ब्रेक डाउन उसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड जो फर्दर ब्रेक डाउन ना हो वेरी सिंपली लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप दैट इज द दलिगोसेक्राइड सो ओलिगोसेक्राइड भी स्ट्रक्चरली क्या है मोनोसेक्राइड से ही बनी होती है बट ऑलिकोसेक्राइड में जो होंगे सिंगल मोनोसेक्राइड नहीं होगा बिकॉज सिंगल मोनोसेक्राइड है ही अगर है तो वो तो मोनोसेक्राइड यूनिट ही हो जाएगी दैट इज अ मोनोसेक्राइड टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑलिकोसेक्राइड्स में क्या होता है टू या अप टू एट यूनिट्स होती हैं मोनोसेक्राइड्स की चाहे वो सेम मोनोसेक्राइड यूनिट हो या आपके डिफरेंट यूनिट हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल टोटल दो मोनोसेक्राइड यूनिट हैं इवन चाहे दोनों सेम यूनिट हो फॉर एक्जाम्पल uh, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मोनोसेक्राइड का एक्जाम्पल है ग्लूकोज ठीक है अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज ही आपस में अटैच्ड हैं और फिर का, कोई कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं सो दैट कार्बोहाइड्रेट विल बी ए ऑलिगोसेक्राइड क्योंकि इसमें टोटल दो मोनोसेक्राइड यूनिट है टोटल ग्लूकोज के तीन मॉलिक्यूल हैं सपोज सो दिस विल बी ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट एंड दिस विल बी ऑल्सो ए ऑलिगोसेक्राइड बिकॉज एक सिंगल मोनोसेक्राइड नहीं है अगर इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये तीन यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तीन ग्लूकोज दे देगा हमें तो हमने तो क्या पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स तो फर्दर हाइड्रोलाइज हो नहीं सकते हैं तो ऑलिगोसेकराइड फर्दर हाइड्रोलाइज होकर वापस किस में हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स में ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ओलिगोसेक्राइड और डिपेंड करता है टू टू एट सो टू टू एट के अकॉर्डिंग भी हम इनको नंबरिंग देते हैं अगर दो ही मोनोसेक्राइड हैं तो हम इसको डाई सेक्राइड बोलेंगे अब ये चाहे दोनों अलग अलग हो चाहे ग्लूकोज फ्रक्टोज हो ग्लूकोज ग्लूकोज हो फ्रक्टोज फ्रक्टोज हो ठीक है तो ये सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी लेकिन दो हैं तो हम डाई सेक्राइड बोलेंगे तीन है तो हम ट्राई सेक्राइड बोलेंगे चार मोनोसेक्राइड हैं तो हम उसको टेट्रासेकराइड बोलेंगे इसी तरह से एट तक होते हैं तो हम जनरली ओलिगोसेक्राइड ही बोलते हैं उनको ओलिगोमाइड भी टू टू एट टू सबसे कॉमन होता है ओलीगोसेक्राइड में जिसको हम डाई सेक्राइड बोलते हैं सो डाई सेक्राइड्स का अगर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा दो मोनोसेक्राइड यूनिट में मिल जाएंगी मोनोसेक्राइड को फर्दर यूनिट करें ब्रेक डाउन करेंगे तो वो नहीं हो सकते वो फिर एलिमेंट फॉर्म में चले जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रह जाएंगे तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेकराइड्स जिनमें केवल एक यूनिट होती है डाई सेक्राइड जिनमें दो यूनिट हो मोनोसेक्राइड्स की ट्राइसेक्राइड जिनमें तीन मोनोसेक्राइड हो ठीक है तो इसी तरह से लास्ट आता है पॉलीसेक्राइड जब नंबर इवन एट से भी ज़्यादा हो सपोज़ नाइन टेन या इवन ट्वेंटी या हंड्रेड्स तक भी कि सपोज थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन हो गई एक साथ अब यूनिट तो ग्लूकोज ही है ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड दो ग्लूकोज होते तो डाई होता ट्राई टेट्रा एट तक ओलिगो अब हज़ार हैं तो हम इनको बोलेंगे पोलीसेक्राइड कि नंबर बहुत ही ज़्यादा है सेकेंड थिंग ग्लूकोज की पूरी ग्लूकोज की चेन हो सकती है हो सकता है हज़ार के हज़ार जो मोनोसेक्राइड जो हैं आपके किसी पोलीसेक्राइड में वो सारे के सारे ग्लूकोज हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी दो तरह के होते हैं होमोपोलीसेक्राइड और हेट्रोपोलीसेक्राइड अगर किसी में हजार मोनोसेक्राइड और हजार के हजार ग्लूकोज हैं तो इट विल बी होमोपोलीसेक्राइड क्योंकि ये ऐसा पोलीसेक्राइड है जिसमें सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड यूनिट हैं वो ग्लूकोज हैं आपके इसलिए होमोपोलीसेक्राइड है ठीक है एक होता है हैट्रोपोलीसेक्राइड सपोज आपके दस तो ग्लूकोज हैं या हंड्रेड ग्लूकोज हैं फिर हंड्रेड आपके फ्रक्टोज हैं फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है तो अगर इस तरह से डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स की यूनिट्स हैं तो वो हैट्रोपोलीसेक्राइड हो जाएगा क्योंकि नंबर तो हजार ही है उसमें भी लेकिन वो सारे एक ही जैसे नहीं है अलग अलग मोनोसेक्राइड है ठीक है चाहे उनका नंबर कितना भी हो डिफरेंट टाइप के हो गए तो वो हैट्रोपोलीसेक्राइड हो गए एक ही टाइप का मोनोसेक्राइड होता लाइक ग्लूकोज की हजार चेन होती तो उसको हम होमोपोलीसेक्राइड बोलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मोनोसेक्राइड ओली और पॉलि पोलीसेक्राइड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज ओलिगोसैक्राइड मोनो यूनिट से ही बनेंगे एक सिंपल सपोज ये ब्रिक है अब आपने एक जो है कॉलम बनाना है तो वो ब्रिक से कॉलम बनेगा दैट इज दी ऑलिगोसेक्राइड और पूरा घर बना रहे हैं आप ब्रिक से जिसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं तो वो क्या होगा पोलीसैक्राइड और इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस ये क्या देगा हमें कॉलम और कॉलम के बाद फिर फर्दर हमें वापस ब्रिक यानी आपका पहले ओलिगोसैक्राइड और फिर फर्दर मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सो वेरी क्विकली वील डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्राइड्स इज द मोनोसेकराइड्स दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इनको हम शुगर्स भी बोलते हैं इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनेंगे जितने भी बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट है लाइक स्टार्च होता है एक उसमें हजारों ग्लूकोज होते हैं तो वो सब किससे बनेंगे मोनोसेक्राइड से ही तो बनेंगे अगर एक ग्लूकोज ही नहीं होगा हमारे पास ये चीज़ें मोनोसेक्राइड तो फिर हम बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बना पाएंगे जो कि इनकी चेन से बनते हैं ओके इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता स्वीट टेस्ट होता है क्रिस्टलाइन होते हैं और सोल्यूबल होते हैं वाटर में ठीक है दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी मोनोसेक्राइड इनके ऊपर एल ग्रुप हो सकता है और कीटोन ग्रुप हो सकता है एल होगा तो फर्स्ट पोजिशन पर होगा मैंने बताया था और कीटोन होगा तो सेकेंड पोजिशन पर होगा ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स हैं अब मोनोसेक्राइड की जब हम बात कर रहे हैं तो मोनोसेक्राइड्स में कार्बन का नंबर कुछ भी हो सकता है इस चीज में कन्फ्यूज नहीं होना है कि मोनोसेक्राइड और उनमें कार्बन का नंबर कि वो डाई हो जाएंगे मैं आपसे कहूंगा अगर दो कार्बन है इसमें तो ये डाई नहीं हो गया कोई एक मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल है अब मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं एलिमेंट्स के तो इसमें कार्बन है कार्बन का नंबर कुछ भी हो सकता है एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट इसमें मोनोसेक्राइड में तो उस कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके ट्रायोज शुगर होते हैं जिसमें तीन कार्बन हो ऐसी शुगर इट इज ए मोनोसेक्राइड इसमें तीन कार्बन है ये भी एक मोनोसेक्राइड इसमें छह कार्बन है ये ग्लूकोज है ये सपोज आपका थ्री फोर्सफो है तो ये भी एक मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है इसमें तीन कार्बन है इसमें छह कार्बन है दोनों मोनोसेक्राइड ठीक है जब मोनोसेक्राइड यूनिट दो होंगी तब डाई होगा कार्बन का नंबर मोनोसेक्राइड यूनिट में कुछ भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग तीन कार्बन की शुगर हो सकती है जैसे ग्लिसरल होता है थ्री फोर्सफो ग्लिसरल पूरा नाम होता है थ्री पी ठीक है सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ ये फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट कार्बन होता है यहाँ पे एल ग्रुप है ठीक है दिस इज दी थ्री फोस्पोक एक होता है डाई हाइड्रोक्सेटोन फोस्फेट सी एच टू ओ पी सी सी एच टू ओ एच ये देखो सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो ये भी एक मोन क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है इसको हम डाई हाइड्रोसेसिटोन फोस्फेट बोलते हैं मैंने बताया था कीटोन ग्रुप भी हो सकता है और एल ग्रुप भी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया सो so, तीन कार्बन की शुगर हो सकती है मोनोसेक्राइड फोर कार्बन हो सकती है लाइक एरेथरोज पेंटोज हो सकती है लाइक राइबोज राइबुलोज राइबोज शुगर जो होती है डीएनए में होती है फाइव कार्बन की हैगजोज के कॉमन एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज गैलेक्टोज ये सब सुने होंगे आपने ये सारे मोनोसेक्राइड है। हैं इनसे हम है, फर्दर हाइयर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं हम इनसे हेप्टोज शुगर हो सकती है जिसमें सेवन कार्बनस हो ठीक है सीडो हैप्टोलोज होती है जैसे कि टॉकिंग अबाउट दी डाई सेक्राइड्स और दलिगोसेकराइड सॉरी ऑलिगोसेक्राइड क्या होंगे सिंगल मोनोसेक्राइड यूनिट नहीं होगी मोनोसेक्राइड्स की चेन होगी ये टोटल कितने चार मोनोसेक्राइड हो गए सो इट इज ए टेट्रा दो होते तो इट विल बी ए डाई सेक्राइड सो ऑलिगोसेकराइड होते हैं जनरली टू टू एट ठीक है सेकेंड थिंग जब मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड आपस में बाइंड करेंगे चेन बनाने के लिए सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सिंगल तो किसी के साथ बाइंड करे ही नहींगा सिंगल मोनोसेक्राइड अगर सेकेंड भी है तो इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बनना पड़ेगा हम हायर जो अभी नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनमें पढ़ेंगे डिटेल में ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम ग्लाइको सिडिक लिंकेज बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक ग्लूकोज और एक दूसरे ग्लूकोज के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है एक ग्लूकोज की तो फर्स्ट पोजीशन होती है दूसरे ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन के कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी तो हम इसको बोल देते हैं बीटा वन फोर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नंबर दिखाते हैं हम इनका ठीक है ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे सो ऑलिगोसेक्राइड्स क्या हैं जिनमें टू टू एट मोनोसेक्राइड यूनिट्स हों उसके अकॉर्डिंग हम इनके भी सेम प्रॉपर्टीज हैं ये भी स्वीट टेस्ट होते, है, होते, है, होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं सोल्यूबल होते हैं ठीक है मोनोसेक्राइड यूनिट्स के अकॉर्डिंग नंबर होता है इनका डाइ जिसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट हो जैसे कि आपका जो है सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज ग्लूकोज इंडिविजुअली इज ए मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज इंडिविजुअली इज ए मोनोसेक्राइड दोनों मिलके एक डाइसेक्राइड बनाते हैं क्या सुक्रोज सुक्रोज इनर्ट शुगर है केक वगैरह में हम डालते हैं इसको सुना होगा आपने तो सुक्रोज जो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है तो इट इज ऑल्सो ए मोनोसेक्राइड दिस इज ऑल्सो मोनोसेक्राइड इट विल फॉर्म द डाइसेक्राइड तीन होंगे तो डाइसेक्राइड होगा ठीक है सिमिलरली द पॉलीसेक्राइड्स होमो अगर सारे के सारे सेम चेन है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये दस ग्लूकोज हैं इट इज मोनोसेक्राइड मोनो 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 एंड दी मोनो सो दिस इज अ पोलीसेक्राइड हैविंग टेन ग्लूकोज ऑल द मोनोसेक्राइड्स आर सेम एवरी इज ग्लूकोज एवरी सेक्राइड इज द ग्लूकोज दैट्स वाई इट इज अ होमो पॉलीसेक्राइड क्योंकि सारे एक जैसे हैं अब ये कोई डिफरेंट चेन है ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज ठीक है ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज मैनोज ग्लूकोज फ्रक्टोज तो देखो डिफरेंट काइंड के मोनोसेक्राइड्स हो गए और हैं बहुत सारे नंबर भी ज्यादा है एट से अदरवाइज ओलिगो होते तो इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीसेक्राइड बट इट इज़ ए हाइड्रोपोलीसेक्राइड सो पोलीसेक्राइड जो होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दोनों चीज़ें बनाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी और उनका स्टोरेज फ्रेमवर्क भी हम जितना भी फूड खाते हैं ना तो वो सारा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर होता है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में हमने जो आज फूड खाया वो सारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेक्राइड ऑफ द ग्लूकोज इट इज ए होमो पोलिसक्राइड सारे ग्लूकोज से मिलके ग्लाइकोजन बनता है प्लांट्स में जो भी कुछ खाते हैं प्लांट्स बनाते हैं वो सब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च सुना होगा आपने स्टार्च भी एक होमो पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का ही ग्लूकोज की चेन मिलके स्टार्च बनाती है हजारों ग्लूकोज होते हैं एक स्टार्ट में हजारों ग्लूकोज होते हैं ग्लाइकोजन में तो ये तो स्टोरेज फॉर्म हो गई ठीक है एक होती है स्ट्रक्चरल फॉर्म प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है तो सेलुलोज भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है कैसा पॉलीसेक्राइड सेलुलोज में भी बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं हजारों तो स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जैसे कि सेल की सेल वॉल बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं प्लांट की और फूड रिजर्व भी बनाते हैं स्टोरेज भी लाइक ग्लाइकोजन एंड दी And the starch in the plants. So that's all for today. Have a nice day.